एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता, जो कि आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोगों की फेवरेट लिस्ट में ज़रूर होगा। मुझे इसको घर पे बनाकर अपने तरीके से हेल्दी वे में बनाकर के खाना बहुत पसंद है। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में इसमें चीज़ यूज़ करते हैं इसको और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए, बट हम घर पे इसको बिना चीज़ के बनाने वाले हैं और यकीन मानिए कि बिना चीज़ के भी ये उसी तरह से आपको एक क्रीमी फ्लेवर और क्रीमी टेक्स्चर देगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बट उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हर रेसिपी को सिंपल तरीके से और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसी तरह की और सिंपल तरीके से बनी हुई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पास्ता। आप कोई भी पेने पास्ता स्पाइरल या एल्बो शेप में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सूजी का पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में मैदे का भी पेने पास्ता अवेलेबल है बट सूजी का पास्ता इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन। उसके बाद वेजेस में मैं यहाँ ब्रोकली, टमाटो, अनियन और कैरेट ले रही हूँ। आप कोई और वेजेस भी अपनी स्वादानुसार इसमें डाल सकते हैं। आप ब्रोकली की जगह पर कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिंजर, गार्लिक और ब्लैक पेपर इसमें बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है टेस्ट के लिए। और व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध, बटर और मैदा और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई में ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या रिफाइंड। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें हम अपनी वेजीज ऐड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे प्याज, गाजर और ब्रोकली को ही डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। इन तीनों को ही रोस्ट करेंगे क्योंकि टमाटर जो थोड़ा सा जूसी होता है, सॉगी होता है, वो इन वेजेस को भी अच्छे से रोस्ट नहीं होने देगा। और अभी जो हमारा जिंजर, गार्लिक और ब्लैक पेपर है इसको मैं यहाँ क्रश करके डाल रही हूँ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं बट क्रश करके डालने से इसकी अलग ही फ्रेग्रेंस आती है, अलग ही टेस्ट आता है। अब हमारी वेजीज अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी लास्ट में। अब हम इन सारी वेजीज को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इन वेजीज को सिर्फ 70% तक ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना है क्योंकि ये क्रंची फ्लेवर में अच्छी लगती हैं और बाकी 10% ये पास्ता के साथ मिलकर के भी थोड़ा सा पकती हैं। तो अब हमारी वेजीज ये पक चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल करके साइड में रख लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में मैं बटर ले रही हूँ। बटर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 चम्मच बटर लिया है मैंने। बटर मैं घर का बना यूज़ कर रही हूँ। आप अमूल सॉल्टी बटर भी ले सकते हैं, कोई भी बटर आपके पास अवेलेबल है। अगर बटर नहीं है आप देसी घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि इस बटर में अगर आप 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, ऑयल आप रिफाइंड या सरसों का कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो हम इसमें मैदा रोस्ट करेंगे, ये मैदा, इसकी लम्स नहीं बनती हैं और जो हमारा बटर है वो भी कढ़ाई में नीचे लगता नहीं है। अब हमें मैदे को अच्छे से रोस्ट करना है, इसको हिलाते रहना है, स्टर करते रहना है ताकि ये मैदा जो है इसकी लम्स ना बने और नीचे ना लगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। अभी मेरा मैदा पक चुका है, गोल्डन ब्राउन थोड़ा हो चुका है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी अपना दूध। दूध मैं यहाँ 300 ग्राम दूध ले रही हूँ। 300 ग्राम दूध के लिए मैं 3 चम्मच मैदा लिया है, 3 चम्मच ही मैंने बटर लिया है। इसी रेशो में अगर आप बनाते हैं अपनी व्हाइट सॉस तो बहुत अच्छे से बनती है और सारा व्हाइट सॉस पास्ता जो है इसी सॉस पर डिपेंड होता है। अगर ये आपकी अच्छे से बन जाती है तो आपका व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
3 से 4 मिनट तक हम इस दूध को पकाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि ये दूध नीचे ना लगे। और ये जो व्हाइट सॉस होती है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहती है अगर आप इसी रेशो में अपनी दूध, मैदा और बटर को डालते हैं। तो इस तरह से हम पकाते रहेंगे, 2 से 3 मिनट लगते हैं या 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। मेरी व्हाइट सॉस थिक होनी शुरू हो गई है, थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हमने जो वेजीज रोस्ट करके रखी हुई हैं वो वेजीज हम इसमें ऐड कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है इस टाइम पे, ताकि जो हमारी व्हाइट सॉस है वो कढ़ाई में लगे ना नीचे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो हमारी व्हाइट सॉस है वो उसका फ्लेवर वेजीज में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ लास्ट में इस स्टेज में सॉल्ट ऐड करना, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एक टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है और हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सॉल्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट कहीं पे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि वेजेस में कितना है और सॉस में कितना है, इसलिए मैं टोटल लास्ट यहीं पर ऐड करती हूँ। अभी हम मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता, पेने पास्ता जो मैंने बॉईल करके रख लिया हुआ था 8 से 10 मिनट के लिए, 3 गुना पानी डाल करके। अभी इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि जो वाइट सॉस है वो पास्ता उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और जो सारा फ्लेवर है वो एक जैसा पूरी इंग्रेडिएंट्स में आ सके। तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है, अब इसको सर्विंग के लिए रेडी कर लेते हैं। आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमने कहीं पे कोई मिर्च नहीं यूज़ करी है। आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्गेनो या ऐड कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली इसमें शेजवान चटनी डाल करके इसको खाना प्रेफर करती हूँ। आपके पास वो अवेलेबल है तो उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।